फाइनली दोस्तों हीरो कंपनी ने अपनी ग्लैमर 125 के 2024 मॉडल को बहुत सारे नए अपडेट के साथ इस बाइक को फाइनली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस किए हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि बाइक को प्राइस में कितना ज़्यादा इंक्रीज किया गया है और बाइक में क्या क्या कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बाइक के लुक के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों ब्लैक कलर और सिल्वर कलर के स्टिकर के साथ हमें बहुत ही बेहतरीन बाइक का लुक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट हमें ओल्ड मॉडल में हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलता था, पर ये न्यू मॉडल में हमें LED हेडलाइट सेटअप के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर हमें हैलोजन बल्ब के साथ चारों इंडिकेटर प्रोवाइड किए गए। बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट भी हमें फुल्ली LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, जो बाइक को बहुत ही बेहतर लुक देता है दोस्तों। उसके बाद हमें USB चार्जिंग पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो हमारा कभी भी स्मार्टफोन अगर कहीं पे बैटरी लो होता है तो हम डाटा केबल लगा के आसानी से उस फोन को चार्ज कर सकते हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो हमें फुल्ली डिजिटल मीटर कलरफुल के साथ हमें इस बाइक को प्रोवाइड किया गया है, जो बैठ के देखने में बिल्कुल बेहतरीन लुक देखने को मिल जाता है। उसके बाद इंजन की बात करें तो इंजन हमें 125 सीसी एयर कूल 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर BHP की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम BHP जो है 10.39 BHP की मैक्सिमम पावर हमें देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो हमें 10.9 mm की टॉर्क इस बाइक में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों 5-स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ हमें ये बाइक देखने को मिलता है, साथ ही स्लीपर क्लच और टॉप स्पीड अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है, जो ये 125 cc में हमें देखने को मिलता है। कि ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें दो वेरियंट की आती है दोस्तों, एक डिस में मिल जाता है और एक ड्रम में मिल जाता है। ड्रम वाला भी कॉम्बी ब्रेक के साथ अटैच होता है और डिस ब्रेक भी कॉम्बी ब्रेक के साथ अटैच होता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक उसे कहते हैं दोस्तों जब भी हम पीछे का पहिया का ब्रेक मारेंगे, यानी कि पिछला पहिया के ब्रेक मारेंगे तो आगे भी हमें ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, यानी कि पूरी पीछे का पहिया ब्रेक मारने के बाद हमारी पूरी गाड़ी दोनों आगे पीछे का पहिया रुक जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों शॉकर सस्पेंशन की बात करें तो शॉकर सस्पेंशन में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जो आमतौर पर नॉर्मल बाइकों में शॉकर सस्पेंशन मिलते हैं वही शॉकर सस्पेंशन हमें इस बाइक में भी पूरी कंप्लीट देखने को मिलेगा, इसमें मोनोशॉक्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों टायर की बात करें तो टायर हमें फ्रंट में 80/118 नंबर टायर देखने को मिल जाएगा। रियर यानी कि पीछे की टायर की बात करें तो 100/80/18 टायर नंबर हमें देखने को मिल जाएगा, जो पूरे फुल अलॉय व्हील के साथ स्टाइलिश लुक के साथ हमें बाइक में देखने को मिल जाएगा, जो बाइक का लुक बिल्कुल मस्त बनाने वाली है। उसके बाद दोस्तों इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगा, जो हमारा स्मार्टफोन आसानी से इस बाइक के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी कॉल वगैरह आएंगे हमें डिस्प्ले में आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अर्जेंट कॉल है तो अटेंड कर सकते हो, अगर अनदर कॉल है तो उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी हमें इस बाइक में देखने को मिल जाएगा, जो कि वो साइड स्टैंड अपनी बाइक में लगी रहेगी तो गाड़ी हमारे बिल्कुल भी चालू नहीं होने वाला है, यानी कि एक्सीडेंट होने से बहुत ज़्यादा ये चीज़ बचाने वाला है। जब हम साइड स्टैंड अपना ऊपर करेंगे तभी हमारी बाइक चालू होगी और तभी उसके बाद ही आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो ये भी बहुत बढ़िया ही फीचर्स हमें इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस भी हमें दो वेरियंट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला वेरियंट की बात करें तो हमें ड्रम ब्रेक की बात करते हैं। ड्रम ब्रेक एक शोरूम प्राइज है दोस्तों 82,963 रुपये। उसके बाद दूसरा वेरिएंट आता है दोस्तों डिस ब्रेक। डिस ब्रेक है दोस्तों एक शोरूम प्राइस 86,963 रुपये हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट की बात करें तो इस बाइक में बिल्कुल सिंगल नॉर्मल सीट कंफर्टेबल वाला सीट रहने वाली है, जो फैमिली लाइक बिल्कुल एक नंबर बाइक है दोस्तों। अपने फैमिली को कहीं भी अपने बिठा के ले जा सकते हो आसानी से राइड पे और कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक हमें 10 लीटर की फ्यूल पंप के साथ हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप की बात करें तो हमें किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों देखने को मिलेगा।
एससीजी स्टार्टर हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एससीजी स्टार्टर दोस्तों उसी को कहते हैं जो साइलेंट स्टार्ट हो जाता है, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो बाइक में बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आता, उसे एससीजी स्टार्टर कहते हैं, वो देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी माइलेज की बात करें तो माइलेज हमें 55 प्रति किलोमीटर माइलेज हमें देखने को मिल जाएगा, जो 55 की माइलेज कंपनी दावे के साथ कहती है। लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखना, कंपनी के हिसाब से आप बाइक चलाओगे तभी ये 55 किलोमीटर देगा, वरना थोड़ा कम देगा, यानी कि 45 से 50 तो आसानी से मान के चलना, इतना आराम से दे देगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक्स्ट्रा चीज़ हमें भी देखने को मिलता है, वो है दोस्तों किल स्विच। जो किल स्विच हमें बहुत ही आसान बनाती है बाइक को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए, यानी कि बंद चालू करने के लिए किल स्विच हमें देखने को मिल जाएगा, जो हम कहीं भी चालू और बंद करने के लिए हमें एक बटन से गाड़ी हमारी बंद होने वाली है। उसके बाद दोस्तों हजार्ड सिस्टम स्विच भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो अभी कहीं भी आप पार्किंग में खड़ी करते हो तो आप हजार्ड स्विच सिस्टम चालू करके चारों इंडिकेटर को एक साथ चला सकते हो। उसके बाद दोस्तों फ्यूल बचाने के लिए और भी एक सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों हीरो की सभी बाइकों में आसानी से। तो i3TS का काम होता है दोस्तों, जब भी हम सिग्नल में खड़े रहते हैं तो हमारी कुछ सेकंड बाद अपनी बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और हमारा फ्यूल बचाता है, और जब भी हम क्लच दबाते हैं तो दोस्तों आसानी से हमारी बाइक दोबारा से चालू हो जाता है। तो ये काम होता है i3S का, तो इसी से हमारी थोड़ी पेट्रोल बचत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वेट और हाइट की बात करें तो वेट इसका रहने वाली है 121.3 kg, और इसका हाइट दोस्तों रहने वाली है 790 mm। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, यानी कि बाइक जब भी लेते हैं तो हम वारंटी मिलता है तो वो कितने साल की वारंटी मिलती है, तो दोस्तों इसमें 5 ईयर यानी कि 5 साल 5 साल की वारंटी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों 70,000 किलोमीटर 5 साल की रहेगी, उसके बाद 70,000 किलोमीटर तक चली होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी इंजन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकलेगा वो कंपनी जिम्मेदार लेगा। उसके बाद दोस्तों सर्विस सर्विस की बात करें तो सर्विस 4 सर्विस हमें कंपनी से फ्री मिल जाता है, और वो कब कब कराना है ये भी आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। फर्स्ट सर्विस की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट सर्विस 500 से 750 किलोमीटर के बीच या तो 60 दिन के अंदर अंदर। दूसरा सर्विस की बात होती है तो दोस्तों दूसरा सर्विस 3000 से 3500 किलोमीटर या तो 160 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद तीसरी सर्विस की बात करें तो तीसरी सर्विस 6000 से 6500 किलोमीटर तक होना चाहिए, या तो 260 दिन के अंदर अंदर सर्विस करा लेनी है। उसके बाद दोस्तों चौथे सर्विस की बात करें तो चौथे सर्विस 9000 से लेकर 9500 किलोमीटर के अंदर या तो 360 दिन के अंदर अंदर सर्विस करा लेनी है। उसके बाद दोस्तों गारंटी की बात करें तो दोस्तों ये सारी सर्विस आप गारंटी कंपनी से ही कराओगे तभी आपकी इंजन की गारंटी रहेगा, अगर आपने कहीं बाहर की मैकेनिक से काम करवाए तो ये गारंटी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी अच्छा समझाया तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।